प्रदेश के बलिया जिले में सहतवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कुसौली कला कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के नाम से अतिक्रमण किया जा रहा है। सुमित कुमार सिंह प्रबंधक एवं प्रधान प्रतिनिधि ने बताया है कि यहां ने बताया है कि मेरे भाई प्रधान है, पूरा कारभार हम ही देखते हैं, वजह से ही जो प्रधान प्रतिनिधि है हमें बदनाम करने के लिए इस तरह का चाल चल रहा है। वहीं पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि न्यायालय में चल रहा, न्यायालय का फैसला करेगी। टाइम की न्यूज चैनल के लिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट बलिया से। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, एक विद्यालय है उस बाउंड्री को लेकर ये हो रहा है तो भू माफियाओं ने कब्जा किया, जिसका जिक्र आपके पिताजी से किया जा रहा है। अच्छा, स्वर्गीय मेरे पिताजी। हाँ हाँ जी, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जी जी, माननीय तहसील बांसठी और उच्च अधिकारियों की देख रेख में वो मामला है, तो उससे पूर्व उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी जी, और जो भी इस विषय में आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। और मैं आरोप लगाने वालों से पहले यह स्पष्ट पूरी तरह से जानना चाहता हूँ कि मैं जो आरोपी उनकी नज़र में हूँ या मेरे पूर्व पिताजी स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय द्वारिका सिंह जी खेल माफिया थे या भू माफिया, बस ये वो क्लियर कर दें, उसके बाद तो स्पष्टीकरण फिर भी दिया जा सकता है। जी जी, हमें भी जानना चाहते हैं तमाम तरह के आरोप जो है ये किस रूप में आप देखना चाहते हैं। देखिए, ये कोर्ट का मामला है और मैं ग्राम सभा की अगर ज़मीन है, वो खेल का मैदान है, कोर्ट में मामला गया हुआ है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सहृदय मुझे स्वीकार है और मैं उससे नहीं भाग सकता हूँ, क्योंकि माननीय न्यायालय का पूरी तरह से मैं सम्मान करता हूँ। पूर्व में कई तरह के आदेशों का पालन मैंने किया है, मेरे परिवार ने किया है, और मैं इस चीज़ से भगूंगा तो ये अनैतिक है। जी जी, आप ना ये सारे बातें आपको सत्य हैं, परंतु क्या वजह है तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, मूल वजह मैं अगर मीडिया से बता दूं तो ये गांव का मामला है। देखिए, वो लोग गांव में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं हमारे, पूर्व में पिछली 3-4 पीढ़ियों से हम लोग उस गांव ग्राम सभा के मुखिया रहते हुए आए हैं, और जो आरोपी हैं, मुख्य रूप से जो आरोपी हैं, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो पंचायती चुनाव में सबसे कम अंक पाके और मुखिया के चुनाव में सबसे कम, और मैं उस ग्राम सभा का मुखिया हूँ, मैं उस ग्राम सभा का मुखिया हूँ और सबसे छोटी उम्र का, तो ये एक अपने आप में न पचने वाली और बर्दाश्त न होने वाली चीज़ है, जिसको सभी लोग मिलके, कई लोगों का मैंने बाइट देखा जिसमें पूर्व प्रधान है हमारे गांव के या फिर वो प्रत्याशी भी रहे हैं, 2-3 लोग और पीछे पीछे खड़े थे जो प्रत्याशी रहे हैं, ये असली परेशानी उनकी यही है, जिसको मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, वहाँ का जनमानस दूर करेगा, फिर चुनाव होने वाला है और फिर उन लोगों के बीच में जाना है। ये लोग पूर्व में मेरे द्वारा कराए गए कार्यों पे भी इन लोगों ने जांच कराई, जो सारे रिपोर्ट मेरे पॉजिटिव लगे। आप चाहें तो DPRO कार्यालय से या फिर और भी विभाग जहाँ इन्होंने जांच कराने की कोशिश की वहाँ जाके पता कर सकते हैं। जी, आप मतलब आप वहाँ के उस गांव के मुखिया हैं? जी 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 जी, जी, जी। तो आप तो का प्रधान हूँ। जी जी, तो ये भी आप है तो चुनाव तो नजदीक है। जी, नज़दीक, तो इसकी जरिए आप मानते हैं चुनाव को लेकर? ये तो शुरू से, जब से हम उस ग्राम सभा के प्रधान हैं, हाँ। तब से हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी बाधाओं को, जो अनैतिक बाधाएं हैं, उनको दूर करके हम लोग आगे निकलते आए हैं। और ये मुख्य रूप से मेरे और मेरे परिवार को परेशान करने वाले और छवि खराब करने की कोशिश है, पूरी तरह से कोशिश है, जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। जी जी जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा की आबादी कितनी होनी चाहिए? जी, हमारे होनी चाहिए या है? कितनी है? 24। 24 जी, तब तो मूल रूप से 1000 से 1200 वोट पोल होते हैं, और उसमें पिछली बार 13 से 14 प्रत्याशी थे, जिसमें प्रथम प्रस्थान लोगों ने पाया और जो आरोप लगाने वाले वो सबसे नीचे थे। तो आप इसको राजनीति से कितना ये ओतप्रोत है, इसको इससे दूर नहीं किया जा सकता, इस बात को आप समझ सकते हैं। जी, मतलब सारी जड़ एक राजनीति है, पूर्ण रूप से ये राजनीतिक साजिश है, और हमारी छवि, चूँकि चुनाव होने वाली है, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।